फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा और इसके कॉर्नर्स ड्रैग करके रेक्टेंगल हम कार्डबोर्ड के इक्वली ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी आप स्ट्रोक यहाँ से नन कर दें, ऑल्ट की होल्ड रख के इसको थोड़ा जूम आउट करें। नाउ गाइस ये एक रियल एस्टेट बिजनेस के रिलेटेड पोस्ट है तो ऑब्वियसली इसमें एक हाउस या एक प्लॉट की पिक्चर तो मस्ट है। तो यहाँ पर मैं एक डाटा अपना ऐड कर लेता हूँ जो कि मुझे क्लाइंट ने प्रोवाइड किया है। शिफ्ट और ऑल्ट की होल्ड रख के अब इसका फायदा इंक्रीज करें और इस पिक्चर की ओपेसिटी यहाँ पे हम कर लेते हैं 56। एंटर कर दें ना, ऑल्ट की होल्ड रख के इसको जूम करें और यहाँ पर हम एज अ डेमो एक लोगो ऐड कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैं क्लाइंट का लोगो यहाँ पे नहीं पेस्ट करूंगा बिकॉज कॉपी पेस्ट का इशू आ जाएगा। उसके लिए यहाँ पे मैं एज अ डेमो एक लोगो बना लेता हूँ। इसके लिए यहाँ से फिर से मैं रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट की होल्ड करके रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। इसके यहाँ से कन्वर्ट करेंगे हम स्ट्रोक में, स्ट्रोक का कलर हम टचेस के पैनल से कर लेते हैं रेड। यहाँ से इसको हम कर लेते हैं शिफ्ट की होल्ड करके रोटेट। इसके कॉर्नर्स को कर लेते हैं थोड़ा सा ब्राउन। नाउ गाइस यहाँ से ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाएं, पाथ एंड आउटलाइन स्ट्रोक पे क्लिक कर दें। ये देखिए हमारी आउटलाइन से ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया है। नाउ गाइस कीबोर्ड से कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ प्रेस कर दे, कंट्रोल सी कॉपी जनरेट करेगा, कंट्रोल एफ पेस्ट एंड प्रिंट कर देगा। तो देखिए इसकी एक कॉपी जनरेट हो गई होगी। कंट्रोल सी अंडू करें, शिफ्ट और ऑल्ट की होल्ड रख के इसको अंदर की तरफ ड्रैग करें, मतलब कि इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर लें और यहाँ से इसको हम कलर दे देते हैं लाइट ब्लैक। ओके राइट, इस पिक्चर को सबसे पहले हम कर लेते हैं लॉक। पिक्चर पे क्लिक करें और कीबोर्ड से कंट्रोल टू प्रेस कर देंगे। देखिए आपको शो हो रहा है जो कि मैंने यहाँ पे यूज की। अब हमने जो नीचे रेक्टेंगल आर्टबोर्ड पे क्रिएट किया था उस पर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे हम एक ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ लगाने के लिए यहाँ से मैं ऑफसेट पाथ पे क्लिक करूंगा और ये मुझसे पूछता है कि हमने कितना इस पर ऑफसेट पाथ लगाना है। यहाँ से मैं लगा लूंगा -15 कर लेते हैं हम। यहाँ से प्रीव्यू ऑन करेंगे, ये हमारा ऑफसेट पाथ जनरेट हो गया है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दें और साथ ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल 5 प्रेस कर दें, ये हमारा ऑफसेट पाथ एक गाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ इस ऑफसेट पाथ के ऊपर हमने एक शेप और क्रिएट करनी है। उसके लिए यहाँ से मैं ले लूंगा पेन टूल, यहाँ पर हम एक शेप क्रिएट कर देंगे। ओके इन दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें और इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल जी से ग्रुप। नाउ गाइस नीचे वाले बॉक्स को भी लॉक कर लेते हैं, कंट्रोल टू से इसको लॉक कर लें और इसको उठा के थोड़ा सा हम यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे टाइप टूल से, टाइप टूल सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर टाइप कर दें। और यहाँ से हम फोन जो यूज करेंगे वो हम लेंगे फ्यूचरा। फ्यूचरा का बोल्ड वर्जन ऑब्वियसली और इसका साइज हम कर लेते हैं 18। इनको हम कर लेते हैं अलाइन। नाउ गाइस यहाँ पे एक और शेप क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए फिर से मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट की होल्ड रख के एक रेक्टेंगल हम यहाँ क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से। इसको कलर दे देंगे यहाँ से हम वाइट और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से इसको हम कर लेंगे सेंड टू बैक। नाउ शिफ्ट की होल्ड रख के इसको करेंगे यहाँ से थोड़ा सा रोटेट। इसके कॉर्नर्स भी हम कर देंगे यहाँ से राउंड। अब हम अपनी हेडिंग ऐड करें, ऑब्वियसली हेडिंग तो मैं यूज कर ही सकता हूँ मगर लोगो यूज नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ से फिर से हम बना लेते हैं कुछ रेक्टेंगल्स, रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे रेक्टेंगल।
ऑल्ट की फॉर ब्लॉक के इसी की कॉपी नीचे जनरेट करें और ऑल्ट की होल्ड करके इसकी हम हाइट थोड़ी सी कम करते हैं और इसकी विड्थ हम थोड़ी सी इंक्रीज कर लेते हैं कुछ इस तरह से। नाउ गाइस इसी टेक्स्ट की कॉपी लें ऑल्ट की होल्ड रख के और इसको कर लेते हैं हम ब्रिंग टू फ्रंट कंट्रोल और राइट ब्रैकेट से या फिर आप राइट क्लिक करके अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट भी कर सकते थे। इस पर डबल क्लिक करें और यहां पर हम टाइप कर देंगे अपनी हेडिंग्स। गाइस नीचे वाले को मैं ऐसे कलर दे देंगे रेड वाला। ओके इन दोनों को सिलेक्ट कर लें आप और यहां से आप ट्रांसफॉर्म टूल सिलेक्ट करें जिसकी शॉर्ट की ई है। इसके कॉर्नर्स पे जाके ऑल्ट की होल्ड रख के इसको हम कर देंगे थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ड्रैग करेंगे कि शेप हमने चेंज करनी है। ओके शिफ्ट की होल्ड रखे थोड़ा सा हम राइट साइड पे ड्रैग कर दें। नाउ थोड़ा सा नीचे ले आते हैं गाइस इन दोनों बॉक्सेस पे हम लगाएंगे ड्रॉप शैडो। उसके लिए पहले इन टेक्स्ट को हम कर लेते हैं लॉक ताकि ये हमें इरिटेट ना करें। अब इन दोनों बॉक्सेस को सिलेक्ट कर लें आप और यहाँ से एफएक्स के पैनल में जाएं स्टाइलाइज एंड ड्रॉप शैडो। नाउ प्रीव्यू ऑन रखें और यहाँ से ओके पे क्लिक कर दें। नाउ गाइस यहाँ पर हम अपनी सब हेडिंग्स दे सकते हैं जैसे कि हमारी स्कीम के अंदर क्या मेन चीज है और क्या फैसिलिटीज हमने प्रोवाइड की हुई है। उसके लिए पहले यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। शिफ्ट की होल्ड रखकर रेक्टेंगल ड्रॉ किया मैंने और शिफ्ट की होल्ड रख के इसी को हमने यहाँ से कर लिया रोटेट। इसके कॉर्नर्स भी हम कर लेंगे थोड़े से रोटेट। नाउ उसके लिए यहाँ से मैं इसी टेक्स्ट की कॉपी ले आता हूँ ऑल्ट की होल्ड रख के नीचे कॉपी जनरेट करें और राइट क्लिक करके अरेंज एंड ब्रिंग टू फ्रंट इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं अपनी फैसिलिटीज। नाउ गाइस इन चारों को सिलेक्ट कर लेते हैं और इनको हम कर लेते हैं अलाइन। इनका साइज हम कर लेते हैं यहां से इंक्रीज ऑब्वियसली। ओके गाइस हमने इसके अकॉर्डिंगली इसको अलाइन कर लिया है और इन चारों को हम कर लेते हैं यहां से इनकी स्पेसिंग भी इक्वली जो कि बहुत जरूरी होती है। कंट्रोल जी से करें हम ग्रुप। उसके लिए सिंपली यहां पर हम एक रेक्टेंगल और ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ गाइस यहां पर हम ऐड कर लेंगे अपनी इंफॉर्मेशन जिसमें नंबर इंक्लूड हो जाएगा और हमारी मेल आ जाएगी। उसके लिए यहाँ पे मैं आइकन्स मैंने बना कर रखे हुए हैं आपको इजीली ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये आइकन्स भी मिल जाएंगे और अभी मैं ये ऑब्जेक्ट्स भी ऐड करूंगा आपको ये भी इजीली प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इसी फाइल में और जो मैंने पिक्चर यूज वो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएगी। वहां से डाउनलोड करके अपने आर्ट वर्क में यूज कर सकते हैं। चलिए इस आइकन को यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपनी पोस्ट पे। कीबोर्ड से फिर से कंट्रोल ऑल्ट 2 प्रेस करें जितने ऑब्जेक्ट्स लॉक थे वो अनलॉक हो जाएंगे। तो यहाँ से फिर से रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करेंगे और अपने आर्ट बोर्ड के इक्वली हम रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें सारे को सेलेक्ट कर लें या फिर आप कीबोर्ड से कंट्रोल ए भी प्रेस कर सकते हैं और सिंपली राइट क्लिक करें एंड मेक क्लिपिंग मास्क।
अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैंने सुना है ऐसे कैसे लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेते हैं। हंसते रहें, मुस्कराते रहें और देखते रहें ग्राफिक अकेडमी विद उसामा खान। अल्लाह हाफिज़।